नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। यूपी का चुनावी माहौल इन दिनों सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच रस्साकशी का खेल जारी है। चुनाव प्रचार की सरगर्मियां अपने चरम पर हैं। इस बीच सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि राज्य में पहले चरण के मतदान से पहले ही लड़ाई 80 बनाम 20 से घटकर 90 बनाम 10 की हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शामली और थाना भवन क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में आयोजित जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि सपा मुखिया इन दिनों अपने गर्म खून की बात करते हैं, लेकिन इनका खून गर्म होता तो सपा राज में मुजफ्फरनगर दंगा नहीं होता। इनके गर्म खून को जनता ने 5 साल पहले ही ठंडा कर दिया है। बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर हो चुके सीएम योगी ने चुटकी लेते हुए कहा कि अब तो उन्होंने बुलडोजर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपकरण लगा दिए हैं। जहां माफिया होगा, जहां दीवारों में जनता का पैसा छुपाया होगा, वहां बुलडोजर खुद ब खुद पहुंच जाएगा। सपा और रालोद के गठबंधन पर तंज कसते हुए योगी ने कहा कि ये दो लड़कों की जोड़ी सूखी हुई जोड़ी है। ये लोग डार्क जोन वाले हैं, इनके राज में हैंडपंप का पानी भी सूख जाता था। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी पर निशाना साधते हुए योगी ने कहा कि जब मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, कैराना से पलायन हो रहा था, तो ये लोग बिलों में छुपे बैठे थे। सीएम योगी अखिलेश और जयंत की जोड़ी पर सीधा हमला बोल रहे हैं। उनके बयानों में बड़ी तल्खी को भी देखा जा सकता है। बहरहाल यूपी चुनाव में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति अपने चरम पर है, लेकिन जनता की अदालत में कौन बरी होगा और किसको मिलेगी सजा, ये 10 मार्च को नतीजे आने पर ही पता चलेगा। तो हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। यूपी इलेक्शन से जुड़ी और भी ताज़ा अपडेट्स के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और जुड़े रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट के साथ। नमस्कार।